राधे राधे गुरु जी जी। इस दासी का आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा सवाल है कि हर सांस में मतलब जैसे किसी से बात कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो हर सांस में भगवान का नाम कैसा हो, कैसे जपे मतलब? काम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, हर सांस में नाम निकले मतलब मुंह से। अभ्यास से होगा, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। और गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे जीवन में आए। मुझे पता ही नहीं था कि श्रीमन नारायणी राम है, वो ही कृष्ण है, इसलिए आप जीवन में आए, हमें बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। बस राधे राधे गुरु जी। गुरु जी एक संगा है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? किसमें? प्रतिमा और मूर्ति। प्रतिमा और मूर्ति। प्रतिमा और मूर्ति क्या भेद है? देखो मूर्ति और प्रतिमा में इतना अंतर है कि जो मूर्तिकार के घर होती है वो मूर्ति होती है। किसके घर? मूर्तिकार। जैसे मूर्तिकार नहीं बनाता, हाँ, जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है, वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जे महाराज जी नहीं है सही, तो भाई आप ही बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्यास गद्दी पर आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। अरे महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एक चौपाई आती है महाराज जी, हाँ, खम्मन खम्मन प्रतिमा काड़ी, हाँ, कब आती है? जब राम जी का शादी होता है, हाँ, तो प्रतिमा किसे कहा है? मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रतिमा है। और हम किसके द्वारा निर्मित हैं? ईश्वर के द्वारा। ठीक है, तो हमें मूर्ति। ठीक है, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। अच्छा, हाँ, अच्छा है? ठीक है, आप ही गुरु बन जाओ फिर। नहीं, गुरु बनने वाली तो बात ही नहीं है महाराज जी, हमें चेला बना लो अपना। नहीं, आप ब्यास गद्दी पे बैठे हो, आप गुरु हो, श्रेष्ठ हो आप। ना ना, जिसके पास आपके पास ज्ञान है आप श्रेष्ठ, मेरी नजरों में तो आप श्रेष्ठ हो सर अभी। ना प्रभु, हम तो देखो आपसे हार गए, अब तो आप श्रेष्ठ हैं। बात करने दो, बात करने दो। ये सब जान के देखो, भगवान में मेरा जितना बुद्धि है कि भगवान से प्रेम हो, ये इतने में कल्याण होगा। इस चक्रव्यूह में शब्द जाल के ना उलझो। शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है देना नहीं है। तो फिर हम जो 3 घंटे सुनाते हैं हमारे पास उतना ही ज्ञान, उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी आप पे तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर काहे तर्क को तर्क कर रहे हैं। तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। ठीक, तो अब ये झूठ बोल रहे थे हम, 3 घंटे हमने जो बोला सब झूठ बोला? नहीं, अभी की बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, और कुछ ज्ञान है? आप बताओ महाराज जी, मैंने तो प्रश्न करता हूँ। तो हमने तो बोल दिया, उत्तर दे दिया, प्रतिमा मूर्ति में भेद खत्म। हाँ, उतना ही हमें पता है, आगे तो आपको पता ही है, जब पता ही है तो पूछना क्यों है? अरे आपके मुख से जानना चाहते हैं। नहीं प्रभु, आपसे कैसे जीतेंगे हम? अरे नहीं, जीतने हारने वाली बात ही नहीं है स्वामी जी।